Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का मैं श्री एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का ये सीरीज चल रही है, आधुनिक भारत के इतिहास की। इसका ये 15th पार्ट है, ये 15वां भाग है। हम गवर्नर जनरल के बारे में हमने स्टार्ट कर दिया है पढ़ना। तो अब तक आपने देखा होगा बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, जिन्हें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल या गवर्नर जनरल ऑफ फोर्ट विलियम कहा जाता था, वहां से हमने स्टार्ट कर दिया। वॉरेन हेस्टिंग के बारे में आपने पढ़ लिया, वॉरेन हेस्टिंग ने क्या क्या किए वो सब हमने देख लिए हैं। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे थे वो लॉर्ड कार्नवालिस से पहले जो टेम्परेरी थे उसके, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, मैकफर्सन है। तो लॉर्ड कार्नवालिस का दूसरा माना जाता है, जिनका टाइम पीरियड था 1886 से 1793 तक। अब उसके बाद आए थे सर जॉन शोर। यहां तक आपने पढ़ा है, सर जॉन शोर के बारे में पढ़ा है पूरा। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लॉर्ड वेलेसली के बारे में, जो चौथे नंबर पे थे, मतलब चौथे गवर्नर जनरल थे कंपनी की तरफ से। उनका नाम था लॉर्ड वेलेसली। कब से कब तक रहेंगे ये? 1798 से 1805 तक ये रहे थे। अब इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट चीजें वो हम पढ़ना शुरू करने जा रहे हैं। दोस्तों, अगर ये आप पढ़ रहे हैं तो इससे पहले जितने वीडियो सब आपको क्लियर होने चाहिए। और जो युद्ध हुए हैं ना, मैसूर युद्ध, मराठा युद्ध, सिख युद्ध, वो सब आप पहले से जानकारी ले लीजिए, पहले से दिमाग में रखिए, ताकि जब उनके बारे में दोबारा जिक्र करें आपको सब क्लियर हो जाए, हाँ हाँ क्या क्या हुआ था, ठीक है? कि बार बार रिपीट करने में टाइम वेस्ट हो रहा है। तो देखिए, ये है लॉर्ड वेलेसली, ये है लॉर्ड वेलेसली 1798 से 1805 तक। सबसे पहले तो ये है, देखिए कि लॉर्ड वेलेसली जो है ना, ये अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। लॉर्ड वेलेसली जो है अपने आप को बंगाल का शेर कहा करता था। दूसरा है 1798 में इसे बंगाल का गवर्नर जनरल बन गया था। ये तो सिंपल सी बात है। लॉर्ड वेलेसली ने सहायक संधि की पद्धति लागू की। दोस्तों, ये पॉइंट जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ठीक है? किसी साल आप कोई भी एग्जाम देने वाले हैं या दो तीन एग्जाम देने वाले, किसी ना किसी एग्जाम में ये पॉइंट आ जाता है, आ जाएगा पक्का। लॉर्ड वेलेसली ने सहायक संधि किसने स्टार्ट की थी? लॉर्ड वेलेसली ने स्टार्ट की थी। और सहायक संधि में क्या था कि दोस्तों, जो भारतीय राजा थे ना, अगर वो बाध्य हो गए थे, मतलब उनको किसी विदेशों से अगर संबंध रखना होता था, या अपने पड़ोसी जो राज्य थे उनको, उनसे संबंध रखना होता था, तो कंपनी के अधीन रहकर वो संबंध रखना होता था, मतलब कंपनी के नियंत्रण में सब कुछ होता था। और कंपनी की एक रेजिमेंट, एक सैनिक टुकड़ी जो है वो उनके राज्य में हमेशा रहेगी। और उन्होंने बेवकूफ बनाया हुआ था, बोल रहे थे कि हम आपकी रक्षा करेंगे, मतलब कोई बाहर का आप पर अटैक करेगा तो हम आपकी रक्षा करेंगे, ठीक है? तो एक तरीके कूटनीति का यूज करके ये दो राज्यों को आपस में भिड़ाना होता था, तो ये सब ऐसे ही करते थे, आप जानते ही अंग्रेजों के बारे में। अब पूछा ये जाता है कि स्वीकार करने वाले जो राज्य थे उनमें सबसे पहला राज्य कौन था और कब स्वीकार किया था, ठीक है? उससे पहले एक पॉइंट देख लीजिए आप, भारत में सहायक संधि का प्रयोग वेलेसली से पहले फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले ने किया था। ऐसा नहीं कि इसने खुद का दिमाग लाया था, ये स्टार्टिंग जो है एक, आप जानते ही हैं, हमने पढ़ाया हुआ फ्रांसीसियों के बारे में भी, फ्रांसीसी का गवर्नर था डुप्ले, बहुत ही फेमस था, तो इसका यूज उसने किया था, सहायक संधि का डुप्ले ने यूज किया था सबसे पहले, ठीक है? तो जानकारी के लिए आपकी बता दिया, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। जो सहायक संधि इसने यूज किया था लॉर्ड वेलेसली ने, ये कॉपी किया था किससे? डुप्ले के द्वारा ये यूज हुआ था। अब लॉर्ड वेलेसली ने शांति की नीति को छोड़कर भैया युद्ध की नीति का पालन किया। इसने शांति शुंति नहीं चाही, इसने युद्ध की नीति अपनाई। उसके बाद देखिए, हम देखेंगे जो सहायक संधि अपनाई थी सबसे पहले किसने अपनाई, सबसे पहले हैदराबाद ने अपनाई थी 1798 में हैदराबाद के निजाम ने, ठीक है? तो दूसरे नंबर पे जिसने अपनाई थी वो मैसूर था 1799 में, क्योंकि मृत्यु हो गई थी, आप जानते हैं। चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था, फोर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था 1799 में, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी इस युद्ध में। तो ये क्वेश्चन आता है, चौथा आंग्ला मैसूर युद्ध किसके टाइम पर हुआ था? चौथा आंग्ला मैसूर लॉर्ड वेलेसली के टाइम पर हुआ था 1799 में। मृत्यु हो गई तो फिर मैसूर को सहायक संधि अपनानी पड़ी। अब देखिए,
तंजोर, तंजोर जो था इसने 1799 में आखिरी साल में, मतलब अक्टूबर के महीने में 1799 में इसने भी अपनाई थी। तो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है हैदराबाद मैसूर है, ये सब इम्पोर्टेंट है, बाकी आप देख लीजिए मगर इम्पोर्टेंट नहीं है। अवध ने 1801 में अपनाई थी। और पेशवा जो है आप जानते हैं, पेशवा में 1802 में अपनाई थी। किसने अपनाई थी? जो बाजीराव सेकेंड, बाजीराव सेकेंड जो कि आखिरी पेशवा था, जो कि आखिरी पेशवा था, रघुनाथ राव का बेटा बाजीराव सेकंड, उसने अपनाई थी, जो कि अंग्रेजों की सहायता से ही पेशवा बना था। ठीक है, और भी देख लीजिए, और भी जो मराठा थे, भोसले जो थे, उन्होंने भी अपनाई थी 1803 में, जो 1803 में। भोसले मतलब वो थे दोस्तों जो छत्रपति के वंशज थे, वही थे। ठीक है, जैसे मराठाओं में भोसले भी थे, पेशवा थे, सिंधिया थे, ये सब थे ना, तो जो इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है वो भोसले स्टार्टिंग में थे, छत्रपति जो थे वंशज वाले, उसके बाद जो फिर पेशवा इम्पोर्टेंट है, दो इसमें इम्पोर्टेंट है, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं थे। और सिंधिया जो कि ग्वालियर पे राज करते थे, उन्होंने 1804 में अपना ली थी, 1804 में अपना ली थी। और बाकी जोधपुर जयपुर इम्पोर्टेंट है, उन्होंने अपना ली थी, बाकी सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ये बता दिया मैंने। मचेड़ी, बूंदी और भरतपुर ने भी अपनाई थी। ठीक है, तो सबसे पहले आप याद रखेंगे हैदराबाद ने सबसे पहले अपनाई थी, और फिर मैसूर का याद कर लीजिए, पेशवाओं का याद कर लीजिए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखिए 1799 में बताई दिया हमने, फोर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई, उसका सहायक संधि अपना ली थी मैसूर ने। देखिए दोस्तों उसके बाद क्या हुआ था, फोर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में, फोर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई, जब आपने देखा होगा आंग्ला मैसूर युद्ध जो स्टार्टिंग का राजा था, तो उसका जो वंशज चलता आ रहा था, इन्होंने उसका, अंग्रेजों ने उसको राज दे दिया था, उसको राजा बैठा दिया था कठपुतली के रूप में, और सहायक संधि अपना दी थी। ठीक है, उसके बाद देखिए फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी इसने, इसने क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आप देख लीजिए, ठीक है, याद कर लीजिए। एक्चुअली ये फोर्ट विलियम की जो ये स्थापना की थी, ये ट्रेनिंग देने के लिए किया था, जो सिलेक्टेड स्टूडेंट थे ना, जो सिलेक्टेड वो बंदे थे जो नागरिक सेवा में भर्ती हुए थे, उनको ट्रेनिंग देने के उद्देश्य से ये खोली गई थी। बाद में बहुत खर्चा लगने लग गया तो इसको बंद कर दिया गया। ठीक है, इसको बंद कर दिया गया। तो ट्रेनिंग का क्या हुआ, ये 1800 में जो भर्ती हुए थे, 1800 में ये हुआ था, तो जो भर्ती हुए थे बच्चे, जो ट्रेनिंग के लिए भर्ती हुए थे, उनका क्या होगा, उनको देखते हुए 1806 में इंग्लैंड भेज दिया गया। वहां पे एक कॉलेज है, हेलीबरी ईस्ट कॉलेज, हेलीबरी ईस्ट कॉलेज, हेलीबरी ईस्ट कॉलेज, ठीक है, हेलीबरी ईस्ट कॉलेज, ईस्ट कॉलेज है, वहां पे उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट करवाई गई। और सेकेंड आंग्ला मराठा युद्ध भी इसी टाइम पर हुआ था, हमने आपको बताया हुआ है, जब मराठा साम्राज्य ने पढ़ाया था, हमने आपको बता दिया था, जो दूसरा आंग्ला मराठा युद्ध था इसी के टाइम पर हुआ था। कब से कब तक हुआ था मैं बता देता हूँ, 1803 से 1805 तक हुआ था। इस युद्ध में दो संधियां हुई थी, एक देवगांव की संधि हुई थी, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो दूसरी संधि हुई थी ये इंपॉर्टेंट है, राजापुर घाट की संधि हुई थी, या राजघाट की संधि भी बोला जाता है, राजापुर घाट की संधि हुई थी। राजापुर घाट की जो संधि हुई थी 1804 में होलकर के बीच में हुई थी, होलकर और अंग्रेजों के बीच में। होलकर भी क्या थे, वो भी तो वो थे ना, पेश वो थे, क्या कहते हैं, मराठा थे, मराठा जैसे पेशवा थे, भोसले थे, वैसे होलकर भी थे। जो ये देवगांव की या देवगढ़ की जो संधि इसको बोला जाता है, ये भोसले के बीच में हुई थी, भोसले और अंग्रेजों के बीच में हुई थी, मतलब जो छत्रपति का वंशज था और अंग्रेजों के बीच में 1803 में हुई थी, इस युद्ध के दौरान। ये युद्ध 1803 से 1805 तक चला था। एक और संधि हो गई थी, वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, आप हमारे फेसबुक पेज पे जाइए, जितनी भी संधियां हुई थी वो सब हमने लिख दिया है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है और जो थोड़ा बहुत भी इम्पोर्टेंट है, हम सब अपलोड कर देते हैं हमारे फेसबुक पेज पे, आप जाके वो नोट्स बनाना चाहे तो नोट्स बना सकते हैं। तो सिंधिया के बीच में हुई थी, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में, जैसे ये थे होलकर थे, पेशवा थे, वैसे सिंधिया भी थे, इन 1803 में हुई थी, जिसे बोला जाता सूजी अर्जन गांव की संधि। ठीक है, सूजी अर्जन, अर्जन गांव की संधि, सिंधिया और अंग्रेजों के बीच में। अब आगे देखेंगे, उसके बाद आया था लॉर्ड कार्नवालिस, दोबारा आया था, याद रखिए, लॉर्ड कार्नवालिस दोबारा आया था 1805 में,
3 महीने तक रहा था, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई थी गाजीपुर में। हमने बताया हुआ था जब आपको लॉर्ड कार्नवालिस पढ़ाया था। लॉर्ड कार्नवालिस आपको समझ में आ गया ना, जो 1786 से 93 तक रहा था, पहले 1786 से 93 तक रहा था, कुछ याद आया? जिसने परमानेंट सेटलमेंट स्टार्ट किया था, अब याद आया? जिसने कार्नवालिस कोड का निर्माण किया था, अब तो याद आ ही गया होगा। ठीक है, चलिए ठीक है। उसके बाद 1805 ईस्वी में लॉर्ड कार्नवालिस का दूसरा कार्यकाल शुरू हुआ, परंतु शीघ्र ही इसकी मृत्यु हो गई। अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये नहीं गिना जाएगा नंबर पे।